स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल आपको लामा इकबाल उप यवर्सिटी के प्रोग्राम फैकल्टी टाइम में खुश आमदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में हम शोबा उर्दू का तारफ़ आपको बताएंगे और शोबा उर्दू के तारफ़ के लिए आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहिर साहब डॉक्टर साहब मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ शुक्रिया डॉक्टर साहब जो है वो चेयरमैन है शोबा उर्दू के और डॉक्टर साहब एक कौमी शायर हैं सूफ़ीज़म में इन्होंने बहुत काम किया है और इनका काम इंडिया में और पाकिस्तान में जो है वो रिकगनइज़ किया गया और पब्लिश हुआ डॉक्टर साहब ने सिक्सटीन जो है वो बुक्स लिख रखी हैं और इसमें जो मशहूर किताबें इनकी हैं वो उर्दू गज़ल फ़लसफा वाददल वजूद और सिलसिला चश्तिया की सेंग जो है ना ये काफ़ी मशहूर किताबें हैं इनकी डॉक्टर साहब जो है वो बाईस साल से दरसो तदरीस से वाबस्ता है यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब आपसे मेरा एक पहला क्वेश्चन ये होगा कि सूफी आपका आपका खासा है और आपने काफ़ी सारा काम जो है वो सूफ़ीजम में कर रखा है तो क्या वजूहत है थी या क्या टेंडेंसी थी कि आप सूफीज़म की तरफ बहुत शुक्रिया जनाब आपका असल में ये जो तसवफ है ये एक तर्ज ज़िंदगी का नाम है इब्तदाही में चूँकि मेरे वालद का तल्ल जो है वो कुछ सूफियाना उस रिवायत से था तो उनके जेर तरबियत रहने की वजह से इब्तदान ही मेरे अंदर तसव्वुफ का और सूफिया के साथ एक तल्लक़ का सिलसिला जो है वो आगाज़ हुआ माँ मैंने मुख्तलिफ़ दर्जों में जब तालीम हासिल कर रहा था तो मेरी शख्सियत का या ज़िंदगी का जो एक बुनियादी मेवर था वो तसव्वुफ रहा तो अपने तालीमी दर्जों में मैं अपने ज़रूरत की या अपने निसाब की किताबें पढ़ने के साथ साथ मैंने तसवफ़ की और तसवफ़ में भी ख़ास तौर पर सिलसिला चिश्तिया के सूफिया की उनके तस्करे उनकी तारीख़ उनके मलफूज़ा उनकी तलीमत और उनका जो काम था वो मेरे पेशे नज़र रहा माँ बाप जब मैंने खुद लिखने का आगाज़ किया तो मेरे लिखने की भी बुनियादी जो आ, वो सिलसिला था या बुनियादी जो मेरा मौजू बनता है आ, वो सिलसिला चीजतियाँ और था? उसकी के हवाले से जो है उसी के गर्द गर्दिश गुना रहता है सही। तो मैंने इस जमन में कई चीज़ें जो है वो लिखी हैं जो पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे इदारों से छपी हैं और उसके साथ साथ इंडिया के कुछ इदारों ने भी मेरी कुछ इस तरह की सूफी किताबें जो है वो शाये की हैं और उन्हें मुख्तफ सतहों पर इस सिलसिले से और सूफ़ी अदबियात से मुतक लोगों ने बहुत सराहा है सही। तो ये मेरे एक मिजाज का हिस्सा है ये तसवु जो है वो हिस्सा बन गया है अब मैं इसी जाविये से दुनिया को देखता हूँ इसी जाविए से मतलब एक कि सोचता हूँ तो इस तर्ज ज़िंदगी की वजह से ना एक वो फकीर ना होते हुए भी आदमी के अंदर एक फ़कीराना तर्ज जो है वो पैदा हो जाता है आदमी को बहुत सारा वो मामल से मसाइल से ज़रा बचाता भी है और आदमी को के अंदर एक इस तगना की कवत जो है वो अता करता है आदमी को एक बेनियाजी अता करता है उसके अंदर एक तवक्ल अता करता है उसमें बहुत सारी खैर वाली चीज़ें होती हैं जो आदमी की शख्सियत का जो है वो लाजमा बन जाती है ऐसा होती है बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने तफसील के साथ जो है ना वो सवाल का जवाब दिया अब ये बताइएगा कि जो शोबा उर्दू है उसकी कोई हिस्ट्री जो है वो स्टूडेंट से शेयर करें जी डॉक्टर साहब ऐसे है कि उन्नीस में जब इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का आगाज हुआ तो उस वक्त तो ये पीपल ओपन यूनिवर्सिटी थी और माबाद साल सद साल जो है वो इकबाल की मुनासबत से इसका नामाकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया जी। तो यूनिवर्सिटी के आगाज़ के साथ ही जो शोबा जात जैसे शोबा अंग्रेज़ी था जैसे शोबा उर्दू है इनका भी आगाज़ हुआ तो शोबे ने इब्तदाई अपने ज़माने में मैट्रिक की सतह पर इंटर की सतह पर और बीए की सतह पर कुछ कोर्सेज से स्टार्ट किया शोबे का आगाज़ किया शोबे के उस वक्त जो दायरा कार था उसके अंदर उस वक्त हमारा एडिटिंग सेल जो अब एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है और जो बहुत ही अच्छे अंदाज से काम कर रहा है उस वक्त आ, ये मर्ज़ इजहार में नहीं आया था तो यूनिवर्सिटी की वो तमाम किताबें जो उर्दू में शाये होती थी किताबें भी उर्दू में थी, उर्दु उर्दु में में थी। सारी। और वो सब की ज़िम्मेदारी जो है वो शोबा उर्दू के साथ थी कि शोबा उर्दू ये तदवीन के मामला एडिटिंग के जो मामला थे ये शोबे के इस अपने उन कोर्सेज़ की तदरीस के साथ साथ वो एक दूसरा काम ये अंजाम देते थे तो कि बहुत बड़ा काम हाँ एक बहुत बड़ा काम था कि इब्तदाई जी वो सारी किताबें जो कोई उन्नीस सौ पचासी तक के ज़माने तक छपी हैं आ, उनकी एडिटिंग के फ़रज़ भी शोबा उर्दू ने अंजाम दी सही 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 अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि शोबे में जैसे बड़ी इम्पोर्टेंस है उर्दू की हमारे माशरे में भी इस्पेली कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफर कर रहे इस वक्त शोबा उर्दू चार प्रोग्राम इस वक्त ऑफ़र कर रहा है और उन्नीस से हमने आगाज़ किया था एम फिल उर्दू का ठीक है ये मुल्की सतह पर मुल्की जामियात में ए, ये बिल्कुल एक नया डिसिप्लिन था इसलिए कि हमारे यहाँ मैं पाकिस्तान से पहले और माबाद यूनिवर्सिटियों में ये सिलसिला था कि जो एम उर्दू ए, की तालीम हासिल कर लेता था वो अगर लिखने पढ़ने से वाबस्ता होता था तो यूनिवर्सिटियों में असाज़, अपने असाज़ा की निगरानी में कोई मौजू पेश करता था तो उसे बरह रास्त पी एच डी में दाखिला मिल जाता था और वो रिसर्च के काम पर लग जाता था ठीक है जब हमारे यहाँ एम फिल उर्दू का आगाज़ हुआ तो उस वक्त के इस ने एक बड़ा अच्छा वो रोल प्ले किया उसमें और कि उन्होंने दो पार्ट में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया एक था कोर्स की तदरीस से मतलब यानी उन्हें तरबियत दी जाती थी कि उन्होंने तहकीक़ कैसे करनी है ऐसे कोर्सेज़ पढ़ाए पढ़ाने का आगाज़ हुआ ताकि वो आइंदा जब अमली तौर पर तहकीक के काम में इन्वाल्व हों तो एक उनके, उनके पास बेसिक एक बेस बेसिक नॉलेज होना चाहिए ठीक है तो उन्नीस सौ सतासी में जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो इसके इब्तदान जो है वो कोर्स वर्क था फिर उसके साथ रिसर्च का काम था तो उन्नीस सौ अठानवे में हमने यहाँ पी एच डी का पीएचडी उर्दू का आगाज़ किया तो ये दो बड़ी डिग्रियाँ पहले यहाँ शुरू हुई स्टार्ट हो गई फिर हमने खजान दो हज़ार में एम ए उर्दू का जो है वो आगाज़ किया तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया सही तो हमारे यहाँ उर्दू में दाखिला लेने वाले बच्चे बच्चियों की तादाद जो है वो हज़ारों में होती है बिल्कुल सही। और अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे वो कोर्सेज चूँकि मैट्रिक और इंटर की सतह पर तो उर्दू लाजमी है तो वो तमाम बच्चे बच्चियाँ जो किसी भी डिसिप्लिन में वो साइंस में वो एजुकेशन में वो किसी भी उसमें दा, दाखिल हों वो उर्दू का कोर्स ज़रूर पढ़ते हैं बिल्कुल सही है। इसी तरह से वो बच्चे बच्चियाँ जो इंटर कर रहे होते हैं तो इंटर में भी लाजमी होने की वजह से वो तमाम बच्चे उर्दू पढ़ते हैं सही। अच्छा कुछ हमारे कोर्सेज़ हैं जो बी ए की सतह पर हम पढ़ाते हैं ठीक है तो उनमें भी मसला हमारा एक कोर्स है उर्दू चार सौ चार तो उसमें 2000 दो हज़ार और उसके माँ बाद में देखा देखता आ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह को उसमें कभी भी पचास हज़ार से कम किसी सेमेस्टर में हमारे बच, बच्चियों का इससे कम दाखला नहीं होता तो यानी हमारे ये जो कोर्सेज हैं इनकी को बहुत मकबूलियत जो है वो मैसर है हासिल है और 2019 से खजान 2019 से हमने अपने चौथे प्रोग्राम जो बी एस उर्दू का है उसका आगाज़ किया और उसमें भी हमें बड़ा अच्छा आ, जो है वो रिस्पांस मिला, मिला है क्योंकि बीए की सतह पर भी हमारे कई कोर्सेज जो है वो वो पढ़ाए जा रहे हैं ठीक है और साथ हमारा एमए भी चल रहा है तो इसके साथ साथ जो है वो हमें आ, जो रिस्पांस आया खजान 2019 में पहले सेमेस्टर में, में हमारे एम एम बी एस के सेमेस्टर में तो वो बड़ा खुश आइंद है और इम्कान है कि ये अगर जैसे एच सी के उसमें है कि जी बी ए और एम ए आइंदा चल कर जो है ये ऑफ होने वाले हैं जी। तो उसमें हमारा फिर ये प्रोग्राम जो बी एस है ये, ये आइंदा वो मतलब चलेगा तो ये अलहमदल अभी से ये जो मतलब अपनी मच्योरटी की तरफ जा रहा है तो इसमें भी अब सैकड़ों से तो हम पहले ही सेमेस्टर ही में कोई हमारे यहाँ 1600 बच्चों ने दाखला लिया था जो बहुत ही हमारे लिए हमारे फख्र की बात है और हमारे है। लिए जो बड़ा एक ना एज़ाज़ था है कि हमारे इस प्रोग्राम पर उसकी असल वजह यह है कि हम चूँकि किताबें भेजते हैं सही है जो भी वो कोर्सेज़ बच्चे उस सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं उसकी बायदा किताबें जो है वो हम बनाते हैं और उसके साथ स्टडी मटेरियल भी देते हैं अब पीडीएफ की सूरत में किताबें जो है वो मौजूद हैं तो ऑनलाइन है। हम उनको ऐसी चीज़ों की जो आसानी के साथ जिन्हें वो डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ उनकी रसाई में होती हैं तो इसलिए हमारे कोर्सेज़ की तरफ रुझान जो है वो बच्चों का ज़्यादा है बस ये इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक इफ्तार है कि वो मुल्क की सरहदों की महाफज है नज़रियाती हवाले से जो है वो उसका बड़ा एक रोल है तो वो मुल्क की बाउंड्री के साथ साथ जो है ना वो उसकी भी मूवमेंट है।, है तो कहीं भी किसी बस्ती किसी इलाके किसी जगह चले जाएँ तो हमारी किताबें बस्ती के तकरीब ज़्यादा घरों में जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि बच्चे बचियाँ हमारे इस निज़ाम के साथ वाबस्त हैं है। तो लिहाजा हमारा हमारी यूनिवर्सिटी का तारफ जो है वो तमाम पाकिस्तान की बस्तियों तक है तमाम बच्चे-बच्चियों तक जो है वो है अच्छा डॉक्टर साहब जो बी एस में एडमिशन है वो ज़ाहिर है इंटर की बेस पे तो इंटर में अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिकली कोई कोर्स पढ़े हुए हैं तो वो करेगा या इसके लिए हर वो बच्चा बच्ची है जिसने इंटर किया इंटर की है, जिसने साल की भी के साथ। तालीम जो है हासिल की है और उसने सेकेंड डिवीजन पाई है तो वो हमारे यहाँ वो एफ एस सी में हो साइंस स्टूडेंट हो वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो वो दाखिला उस के लिए जो दाखला है वो डिटर्मिन कर दाख, जो है उसको वो है। मिल जाएगा तो उस उसका ऑटोमेटिकली है, है जब वो फॉर्म फिलअप करके देता है उसे सेकंड क्लास जो है वो इंटर होना चाहिए तो उसका दाखला जो है वो बी एस उर्दू में हो जाता है और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ओवरसीज़ के लिए क्योंकि ये जो उर्दू लैंग्वेज है वो पाकिस्तान में तो आलमोस्ट मेजॉरिटी लोग समझते हैं बोलते हैं ओवरसीज़ के लिए कोई आपने कोई एक्टिविटी कोई प्रोग्राम तरतीब दिया? है देखें उर्दू दुनिया की तीसरी बड़ी जबान है और ये तमाम बराज़मों में बड़ी सहूलत के साथ बोली जा रही है लिखी पढ़ी जा रही है लोग बाहर तो एकदमीज़ जो है वो मौजूद हैं है। बाहर मतलब है कि पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान से ज़्यादा जो है। मुशायरे हैं वो बाहर हो रहे हैं मुतद अरब इमारत में यूरोप में अमेरिका में उर्दू के मुशायरे होते हैं मुजाकरे होते हैं गुफ्तु है। होती हैं रसाले जो है वहाँ से और किताबें जो है ना इनसे छप रही हैं है। तो उर्दू की जो एक बहुत ज़्यादा दुनिया में उसकी एक डिमांड भी है जी पाकिस्तान के हवाले से लोग सीखना चाहते हैं इस जबान को तो हमारा हमने पिछले डॉक्टर प्रोफेसर जयाकयूम साहब की निगरानी में कुछ इदारों के साथ और कुछ यूनिवर्सिटियों के साथ हमने एम ओ यूज़ सैन किए हैं मसला तहरान यूनिवर्सिटी के शोब उर्दू के साथ हमारा एक बामी इश्तराक इस है इसी तरह जाम अज़र मिस्र के साथ हमने एम ओ यू साइन कर रखा है इसी तरह तुर्की का एक इदारा है एक उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तुगवा के नाम से उनके साथ हमारा एक एम ओ यू है और वहाँ से तुर्की से बच्चे हमारे यहाँ उर्दू सीखने के लिए और उर्दू पढ़ने के लिए जो है वो आते हैं और इसी तरह ये दरमियान में कोरोना की वजह से ज़रा एक आध सेमेस्टर हमारा मतल रहा पिछले सेमेस्टर में हमारे यहाँ बच्चे आए जामतल तो से मिस्र से और हमारे यहाँ छः महीने वो रहे और वो उर्दू में कोर्सेज जो है वो यहाँ से करके गए हैं हमने ऑनलाइन भी उर्दू के लिए कुछ कोर्सेज़ डेवलप किए हैं ठीक है बहुत इब्तदाई सतह के कोर्सेज भी हैं इंटरमीडिएट सतह के कोर्सेज़ भी हैं जी सर्टिफिकेट हैं और एडवांस एडवांस जो है वो कोर्सेज़ uh, भी, भी, भी हमारे पास मौजूद हैं लिहाजा इसमें जहाँ भी कोई तलब इलम किसी सतह पर uh, वो उर्दू में आना चाहता है, है। वो यहाँ आके एट कैंपस भी uh, जो है वो तालीम हासिल कर सकता है उर्दू की और अगर वो ओवरसीज uh, uh, है और फ़ारन में है, तो वो में है online... और वो ऑनलाइन जो है अगर वो चाहता है तो भी हम शोबा उर्दू उसके लिए हमने चूँकि कोर्सेज वग़ैरह आपने वो मुकम्मल कर ली हैं हमने तरतीब दे ली है, तो हैं तो अगर वो इसमें दाखिला लेना चाहता है तो हम उर्दू सिखाने के लिए आ, किसी भी मुल्क में रहने वाले किसी शहरी की खिदमत करने के लिए जो है वो तैयार हैं। डॉक्टर साहब ये जो ओवरसीज सर्टिफिकेट है सेमेस्टर का सर्टिफिकेट ऑफर करेंगे या डिप् वन ईयर का डिप्लोमा ऑफर करेंगे असल में डॉक्टर साहब ऐसे है कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं और मुख्तलिफ जो तलबा हैं उनकी अपनी ज़रूरियात हैं ठीक है कुछ तीन महीने के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हैं है। कुछ लोग छः महीने के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हैं या आए हैं अभी जो हमारा तजुर्बा है तो उसमें जब अगर कोई तीन महीनों के लिए आना चाहता है तो हम उसके लिए डिफरेंट हमने कोर्सेज डिवेलप कर लिए हैं कि तीन महीनों वाले स्कॉलर्स को हम चारों स्किल्स जो जबान की स्किल्स हैं वो किस है। तरह से सिखाएंगे तो उनके लिए हमने एक अलहदा अपना निसाब जो है वो, वो तरतीब दे, दे, दे रखा है।, है और अगर कोई छः महीनों के लिए आना चाहता है तो हम आते ही उसका एक इम्तहान लेते हैं है और उसकी मतलब है कि असेसमेंट करते हैं कि वो किस सतह पर है और उसे किस सतह का निसाब जो है वो चाहिए है। तो हमारी कोशिश होती है कि वो जितना अरसा यहाँ रहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर जाए ताकि हमारे इदारे का हमारे शोबे का और पाकिस्तान का जो एक इमेज, है।, इमेज है वो बहुत अच्छा बहुत मतलब एक पॉजिटिव जो है वो जाना चाहिए और वो पिछले जो तीन चार सेमेस्टर से ये फारनर यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ अब वो सीख के जा रहे हैं तो वो बहुत ख़ुशी का इजहार करते हैं जब मसलन जो आखिरी उसकी इख्तामी तकरीब हम वो करते हैं बर्पा होती है यहाँ पर तो उसी मुल्क के सफ़ीर जो है वो उनको हम बुलाते हैं वो तो वो हर उसमें जब अपने बच्चों को उर्दू बोलते हुए सुनते वो हैं, सुनते तो, हैं तो, तो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं मसला तुर्की के बच्चे कुछ पाँच आए हमारे यहाँ और कोई दो महीने वो हमारे यहाँ रहे और उन्होंने उर्दू पहली जो उनकी असेसमेंट हमने की थी उसकी भी हमने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और जिस दिन वो तो मतलब एक वो मतलब हुए और जब हमने वो डिस्प्ले की, की और उस तकरीब में जो उनके सफ़ीर साहब तशरीफ़ लाए हुए थे तो उन्होंने बड़ी हैरत का इज़हार किया बल्कि वो अजराए तफ़न्न तो कहने लगे कि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जो है तो यहाँ दा, 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 दाखला लूँ और इतने अगर आ, आसानी से और इतने जल्दी में ये सीखा जा सकता जा है, है। तो यानी अच्छा उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और हमारी वो जो खदमात थी हम तो असल में वो चाह रहे थे के बाहर से आने वाले जो हैं वो जब ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मेहनत की जाए वो हमारी ज़बान सीखना चाहते हैं हमारे कल्चर से आगाही चाहते हैं हमारे मुल्क के बारे में एक पॉजिटिव जेस्चर वो ले के जाना चाहते हैं तो हमने इसको मिशनरी बुनियादों पर इस कोर्स को वो डिवेलप भी किया है और इसको पढ़ा भी रहे हैं और चाहते हैं कि आने वाले पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा जो है वो ले कर अपने साथ जाएँ और वो पाकिस्तान के सफ़ी रहें ताकि वो अपने मुल्क में जाकर यहाँ से सीखी हुई बातें ज़ुबान कल्चर हमारी तहजीब हमारा तमदन वो जो है वो अपने दुनिया, दुनिया, दुनिया में शेयर करें अपने लोगों के साथ शेयर करें बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा स्टूडेंट्स के लिए कि जो शोभा उर्दू डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रहा है लाइक एम ए के प्रोग्राम हमारे यहाँ से स्टूडेंट पास आउट कर गए एम फिल पी एच डी कर गए तो ये कितने मार्केट ओरिएंटेड प्रोग्राम है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है लोग कितनी आसानी से जो है ना वो शोबों में जाके एडजस्ट हो जाते हैं देखिए हमने मुख्तलिफ अपने डिसप्लेंस में मुख्तलिफ तर्ज के कोर्सेज जो है ना वो किए हुए हैं जिसको मार्किट के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की है।, है। मैं आपको बताऊँ कि एटीज़ में हमने मुकतदरा कौमी जबान के साथ मिलकर कुछ कोर्सेज़ जो है डिवेलप किए ठीक है।, है और वो इतने अच्छे इतने अहमियत के हामिल कोर्सेज़ थे कि बाद में सदर पाकिस्तान ने एक डायरेक्टिव आ, वो किया था और एक दफ्तरी उर्दू प्रोजेक्ट बनाया था और वो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बनाया वो दो हज़ार बारह तक बड़ा ही मुतहरक रहा और बहुत अच्छा काम करता रहा है उसके ज़िम्मे था कि कुछ हमने दफ्तरी उर्दू के कोर्सेज़ बनाए थे जो इंटर की सतह पर हम पढ़ाते हैं सही है। उसके साथ साथ ये था कि वो दफ्तरी उर्दू प्रोजेक्ट का एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि ज़ुबान को दफ्तरी हवाले से मुरवज करने के लिए सूबाई अफसरान के लिए और वफाकी अफसरान के लिए हमने कुछ कोर्सेज डिवेलप किए थे और वो पढ़ाए जाते थे और वो ताकि अगर आ, किसी वक्त मुल्की सतह पर उर्दू को दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया जाए तो लोगों को काम करने में मुश्किल ना हो इस, इस तरह की वो बहुत आसानी के साथ और बहुत सारे हज़ारों सूबाई और हज़ारों जो है वफाकी अफसरान ने उन्नीस uh, से लेकर 2012 तक वो हमारे कोर्सेज जो है वो किए हैं वो एक छः महीने का वो कोर्स होता था जिसकी कुछ अमली मतलब है के प्रैक्टिकल नेचर की चीज़ें होती, ने, चीज़े होती थी कुछ उसमें असाइनमेंट्स वगैरह होती थी बाद में वो इम्तहान वगैरह होता था तो वो बड़ा कामयाब रहा हमारा तजुर्बा ठीक है उसके साथ साथ हमने एमए की सतह पर भी अपने कोर्सेज़ में कुछ ऐसी चीज़ें रखी है मसला हमारे कुछ कोर्सेज साफत से मुतलक हैं है। तो हमारे बहुत सारे बच्चे ये साफत के साथ वाबस्ता होते हैं अखबार है। में काम करते हैं रेडियो टी वी के साथ काम करते हैं इस, इस वक्त भी हमारे बच्चे वो कर रहे हैं अच्छा कोई भी इक्का दक्का अगर कोई जामिया छोड़ दे आप मुल्क की तमाम तकरीबन जामियात में या आप यूँ कहिए कि कोई एटी परसेंट जामियात में जो उसा वहाँ दरसो तदरीस से वाबस्तें उसमें ज़रूर अमामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का हिस्सा मौजूद है फिर ये कि आप कॉलेजों की सतह पर चले जाएँ आप स्कूलों की तो सतह पर चले जाएँ इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो फारगसील हैं वो आपको तदरीस के शोबों में ज़िंदगी के दूसरे शोबा जात में भी आपको बहुत ज़्यादा तदाद में मिलेंगे सबसे बड़ी तादाद जो है नलीमी इदारों से वाबस्तगान की जो है वो किसी न किसी सतह पर इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से और फिर उसकी वसात से शोबा उर्दू के साथ जो है वो वाबस्ता है और रही है बिल्कुल ठीक है अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा किस जो हमारे हैं जो उर्दू डिपार्टमेंट से फारग तहसील स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई एक्टिविटीज़ कोई प्लान कर रहे हैं आप इन फ्यूचर डॉक्टर साहब मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है बड़े मुकाम मसरत है मेरे लिए कि मेरे इस शोबे से उन्नीस से जो लोग यहाँ से किसी न किसी हैसियत से स्कॉलर की हैसियत से वाबस्ता रहे वो बाज़ तो इतने बड़े कद इल्मी और अदबी दुनिया में इतने बड़े कदो कामत के लोग हैं कि उन पर बाहर जो हमारी दूसरी सिस्टर जामियात हैं उनमें एम फिल और पी एच डी के मकालत लिखे गए हैं यानी एक इफ्तार है कि जिन लोगों ने उस जमाने में हमारे यहाँ से काम किया था एम फिल का उन पर मकालत जो है वो कहीं बाहर यूनिवर्सिटियों में लिखे जा रहे हैं उन पर किताबें लिखी जा रही हैं उनके जो इलमी अदबी काम है उसको सराहा जा रहा है तो मैंने एक आ, सोचा है एक सिलसिला के चूंकि मेरे स्कॉलर सैकड़ों में आठ सौ के करीब हमारे यहाँ से एम फिल के स्कॉलर जो है वो पास आउट हो चुके हैं और कोई सौ से ज़ायद लोगों ने यहाँ से पी की डिग्री ली अच्छा ये जो कोई नौ के करीब लोग हैं इन लोगों ने जो शायरी की नसर में तख्लीकी नसर में आ, या मतलब एक तनकीद की दुनिया में या तहक़ीक़ के हवाले से जितना काम किया है ना तो वो कोई दस हज़ार से जायद इन स्कॉलर्स की किताबें मौजूद हैं हम अपने इन इस्कॉलर से किताबें मंगवा रहे हैं और उसे एक किताब की सूरत में जो है ना उसका एक इंट्रोडक्शन हम तरतीब दे रहे हैं हमारी ख्वाहिश है कि हम ज़रा ये इस ये कोरोना का सिलसिला ख़त्म हुआ अब मतलब है कि फेस टू फ़ेस ये हमारी आमदोरफ़्त जो शुरू हुई है तो हमने ये प्लान इस साल किया था लेकिन ये कोरोना की वजह से हम इसको फाइनलाइज नहीं कर सके तो इरादा है मेरा और मेरे साथियों का कि हम इसको बाहर में मार्च अप्रैल के उस दौरानिए में जो है एक इन सारी किताबों की एक नुमाइश करना चाहते हैं उस वक्त हम एक दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं कि पाकिस्तान भर से हमारे जो इस्कालस हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मुख्तलफ मौजूद पर एक डिबेट हो मजाकरे हों और गुफ्तगुएँ हों वो लोग यहाँ पार्टिसपेट करें अपने मादरी इलमी में आएँ वो लोग और उनकी किताबों की एक नुमाइश हो और उसमें वो सारी किताबें जो है वो हाँ बड़ा मतलब है कि वो दिखाई जाए ताकि एक लोगों के लिए इंस्पायरेशन का वो बायस हो और फिर मेरी तमन्ना ये है कि वो तमाम किताबें हम जनाब वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करें कि हमें लाइब्रेरी के अंदर हमारे लिए एक कॉर्नर मुख्त किया जाए कि जो ये इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर का हो और उनकी किताबें वहाँ पर हम प्रिजर्व करें और ये किताबें इशू ना की जाए ठीक है वहीं रिकॉर्ड के लिए लोग जो भी इनसे इस्ता करना चाहते हैं वहीं हों ताकि ये आने वाले जो हमारे स्कॉलर्स हैं हमारे उनके लिए मुंचले मुंचले एक राह रा हों एक इंस्पायरेशन का बायस हों कि उनके इदारे में कैसे कैसे लोगों ने तालीम हासिल की है और कौन कौन लोग जो है यहाँ से पढ़ कर जो है वो गए और उन्होंने इलमी दुनिया में अदबी दुनिया में तदरीसी हवाले से कितने अहम काम जो है वो सर अंजाम दिए बिल्कुल डॉक्टर साहब एक ना आपकी ज़र मौजूदगी का हम फायदा उठाते हैं और आपने सूफीजम में इतना कुछ लिखा आपने कौमी सतह पर शायरी भी की तो कुछ नात के कुछ जो है ना कुछ अशार सुना दें डॉक्टर साहब मेरी एक नात है कि मैं वो अर्ज़ किए देता हूँ अगर मैं हूँ तो तेरी चश्म ए हूँ तेरी चश्म ए अगर, अगर मैं, मैं हूँ तो तेरी चश्म एतबार में हूँ वगरना कौन हूँ मैं और किस शुमार में हूँ अगर मैं हूँ तो तेरी चश्मे एतबार, एतबार में हूँ वगरना Maasha कौन हूँ मैं और किस शुमार में हूँ शेर है कि तेरा ख्याल मेरी ज़िंदगी का, का, का महवर, महवर है तेरा ख्याल मेरी ज़िंदगी का महवर है तेरे ख्याल के बास तो मैं बाहर में हूँ और शेर है जनाब के कभी कभी तो मैं ऐसे भी ख्वाब देखता हूँ कभी कभी मैं ऐसे भी तो देखता कभी कभी तो मैं ऐसे भी ख्वाब देखता हूँ कि खाक जिस्म पे ओढ़े तेरे दियार में हूँ और कभी कभी तो ख्वाब के लम्हों में आप लबहुं लबहुं। उतरेंगे कभी तो ख्वाब के लम्हों में आप उतरेंगे अज़ल के रोज़ से मौला इस इंतज़ार में हूँ और तेरे सहारे जमाने से जंग करता हूँ तेरे सहारे जमाने से जंग करता हूँ उदास शाम का मंजर है मैं हिसार में हूँ अगर मैं हूँ तो तेरी चश्मे एतबार में हूँ वगैरह कौन हूँ मैं और किस शुमार में हूँ माशा सर जजाक बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब एक जो आखिर में कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो उर्दू के डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं एडमिशन्स लेना चाहते हैं या हैं, उनके लिए एक पैगाम आप देना चाहें डॉक्टर साहब लबा के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो किताब से दोस्ती करें ये बहुत खैर का काम है वो ज़िंदगी के किसी भी शोब हयात से मुतलक हैं अमली ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं या अभी वो पढ़ रहे हैं तालब इलम का असल और बुनियादी काम पढ़ना है ठीक है उसे किताब के साथ वस्ता रहना चाहिए हम वक्त जो है जो किताब के साथ वह होता है किताब की अपनी बरक़ात हैं सही। वो रोशनी अता करती है वो नूर अता करती है वो इल्म अता करती है तो जो तालबिल किताब के साथ वाबस्ता होता है उसके अंदर एक मतानत एक संजीदगी एक इल्मी तमकनत जो है वो पैदा हो जाती है सही। तो मेरा यही एक पैगाम है कि किताब से दोस्ती जिसने किताब से दोस्ती कर ली वो कामगार हुआ कामयाब हुआ तो हमारे स्कॉलर्स को भी चाहिए कि वो जिस सतह पर भी ज़िंदगी कर रहे हैं जिन हालात में भी मौजूद हैं तो वो किताब के साथ अपने आप को वस्ता रखें यकीनन किताब उन्हें कामयाबी और कामरानी की मंजिल से हमकिनार करे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे स्टूडेंट्स के लिए वक्त निकाला डियर स्टूडेंट्स आखिर में मैं आपको डॉक्टर साहब के पैगाम के साथ कि किताब से दोस्ती करें और किताब से जब आप दोस्ती करेंगे तो आपकी ज़िंदगी निकलेगी आप में संजीदगी आएगी फोकस हो जाएंगे और कामयाबी आपका कदम चूमेगी इसके साथ ही मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स अब उर्दू में आ, जो आ, जिनके एडमिशन ओपन हैं आप एम में दाखिला ले सकते हैं बी प्रोग्राम्स उर्दू में लॉन्च कर दिए गए हैं एम उर्दू और पी उर्दू भी शोभा में करवाई जाती है किसी तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ए की वेबसाइट विज़िट करें शोभा उर्दू का डिपार्टमेंट को विज़िट करें वहाँ पर ई मेल और फ़ोन नंबर दिए हुए हैं आप वहाँ पर रबता करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं ए आई यू यू ज़िंदाबाद पाकिस्तान फाइंदाबाद